साहब, एक सवाल नैब के हवाले से। अब आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है कि जो अमेंडमेंट लॉज हैं उसके बाद वैसे ही जो उनकी डिस्क्रिशन थी वो इतनी कम रह गई, उनके परों को काट दिया गया और एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, एक मखसूस रकम से नीचे करप्शन पे केस नहीं बन सकता, रिमांड का टाइम कम कर दिया, ये सारा कुछ देखते हुए एक आर्ग्यूमेंट ये शुरू हो रहा है कि नैब को होना ही नहीं चाहिए स्क्रैच से। डू यू बाय दैट आर्ग्यूमेंट के वाकई नैब को डिजॉल्व ही कर दें अगर इतना ज़्यादा लिमिट कर दिया उनको तो? नहीं, नैब को अगर इतना लिमिट कर दिया तो वैसे चाहिए तो वो खत्म हो गया। उसकी एक इंडिपेंडेंस जो थी और होनी चाहिए थी। कानून हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि कानून एक बड़ी शफाफ और सफेद और साफ सुथरी नीयत होती है कानून में, और उसको जो नाफिज करने वाले होते हैं उनकी नीयत नहीं होती। अब नैब ऑर्डिनेंस के साथ भी ये हुआ। नैब ऑर्डिनेंस ने कहा, एक कह दिया है कि जिसने जिसके असासे उसकी आमदन से ज्यादा होंगे वो नैब साबित करेगी कि उसने कहाँ से पैसे बनाए। वो कैसे बता सकती है? 1886 चलिए इतजाज साहब शायद बाद मुकम्मल करना चाहिए। इतजाज साहब जी, आप बाद मुकम्मल करें। इतजाज साहब जी, 1886 में एक एंटी करप्शन एक्ट आया, एक 1947 में एंटी करप्शन एक्ट आया, एक एहतसाब एक्ट खुद मियां नवाज शरीफ ने बनाया 1997 में उसको किया। एक मुशरफ ने ये बनाया एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब ब्यूरो यही जो नैब ऑर्डिनेंस, चारों में ये कानून यही था कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा है तो ये मुझे बताना है, ये मनी ट्रेल मैंने देनी है। ठीक है, अब एक मनी ट्रेल नहीं दी सही गई एवन फोरिल्ड अपार्टमेंट की, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की जी। अच्छा, एक मनी ट्रेल कहा ये है मेरे असासे जनाब स्पीकर, और एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सही सही। तो यहाँ पाकिस्तान में नैब के तो लॉ को वैसे ही बिल्कुल सही ब्लू लेटर लॉ कहते हैं जिससे कोई अमल दरामद ना हो। इत्तेज़ाज़ आपने तो बड़ा मशहूर हुआ, आपने कहा हाथ की। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। छह टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।